क्लिक करना तो एक बड़ी सी कोई नहीं आप पहले भी कोई नहीं आवाज चल रही कोई हां तो आप बड़ा बोल छोटे हो जाए तो बच्चा आएगा तो इसकी ब्लैक हो जाएगी अच्छे से क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स और टॉपिक है कोऑर्डिनेट। आप कोऑर्डिनेट बेटा 11th क्लास में पढ़कर आए उसी से रिलेटेड चीज मतलब 10th क्लास में पढ़कर आए उस और आप यहाँ 11th क्लास में पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड चीज अब आप आपके सामने होगी। पहले आपने देखा हमारे पास एक बिंदु होता है ये जिसके मान होते हैं x और y इसको कहते हैं बिंदु बिंदु ठीक है। यहां से हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है। एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x पर y। x होता है भुज और y होता है कोटि। और इन दोनों को मिलाकर बन जाता है निर्देशांक निर्देशांक बिंदु एक्स वाई जो भुज और कोटि एक्स भुज होता है वाई कोटि होगा और दोनों को मिलकर बना निर्देशांक। अब हमारे पास चतुर्थांश होते हैं अब इधर निर्देशांक की कहानी नहीं कि निर्देशांक क्या बना फिर इस निर्देशांक ज्यामिति इसी को कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मैथ्स का जो आगे 12th क्लास में या आईआईटी वगैरह जो भी देते हैं उसमें ठीक है बहुत ही प्रयोग किया जाता है। आईआईटी वगैरह में क्वेश्चन 100% आता है और 12th क्लास में भी इस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक अच्छी तरह से हमारी तैयार होनी चाहिए। आप इसकी एक स्टार्टिंग में एक बिंदु से इस बिंदु को हम P भी ले सकते हैं यानी कि बिंदु P है जिसके निर्देशांक बने जो x और y x भुज y कोटि दोनों मिलकर बने निर्देशांक। अब इसी पर आइएगा निर्देशांक जो है अलग-अलग ये हमारे पास होता है ये अगर हम बात करें ये हमारे पास एक समतल है और हम ये कहें किसी समतल को दो लंब रेखाएं चार भागों में विभाजित करती हैं तो प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। इसमें जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष कभी ऊर्ध्वाधर नहीं होता और वाई अक्ष कभी क्षैतिज नहीं होता इसलिए जब वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर है तो वाई अक्ष को काल्पनिक अक्ष भी कहा जाता है कि एक्स अक्ष वास्तविक अक्ष है और वाई अक्ष एक काल्पनिक अक्ष है। अब इसमें ये चतुर्थांश बनते हैं जिसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश फिर ये बनेगा सेकंड चतुर्थांश और ये बनेगा थर्ड चतुर्थांश और ये बनेगा फोर्थ चतुर्थांश। अब फर्स्ट चतुर्थांश की बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश इसमें x का मान 0 से बड़ा और y का मान भी 0 से बड़ा होता है। ये कहें इस बिंदु को जहां दोनों लंब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं इसको कहते हैं मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0
अब इस मूल बिंदु के यदि हम दाएं तरफ ऐसे बढ़ते हैं तो x अक्ष धनात्मक कहलाता है, और इस मूल बिंदु के बाएं तरफ बढ़ते हैं तो x अक्ष ऋणात्मक कहलाता है। अब मूल बिंदु से जब ऊपर जाते हैं तो y अक्ष धनात्मक कहलाएगा, और मूल बिंदु से जब नीचे की तरफ आते हैं तो y अक्ष ऋणात्मक कहलाता है। जब इसका मतलब यहां पर लिखा है x का मान जीरो से बड़ा और y का मान भी जीरो से बड़ा, इसका मतलब जो प्रथम चतुर्थांश है हमने पढ़ा आपसे पहले कि जो मान जीरो से बड़ा होगा धनात्मक ही होगा, जीरो से छोटा होगा तो ऋणात्मक होगा। अब ये सब जब जीरो से बड़ा है तो धनात्मक होगा, इसका मतलब ये जो बिंदु बनेंगे प्रथम चतुर्थांश में ये दोनों ही धनात्मक होंगे, इस तरह x भी धनात्मक और y भी धनात्मक। इस दूसरे चतुर्थांश में हम आए तो यहां पर x का मान हमने बताया इस मूल बिंदु के बाएं तरफ x का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक नेगेटिव, और y का मान तो ऐसा ही है ऊपर तो धनात्मक होगा, इसका मतलब होगा x का मान जीरो से छोटा होगा और y का मान जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब जो मान जीरो से छोटा है ऋणात्मक होगा, और जो मान जीरो से छोटा है, जो जीरो छोटा है ऋणात्मक होगा, जीरो से बड़ा है धनात्मक होगा। तो ये कहेंगे x ऋणात्मक बना और y धनात्मक बना। आपको बताया प्रथम मान धनात्मक भुज होता है और दूसरा मान कोटि होता है, भुज x होता है और y कोटि होती है। तो यहाँ पर x ऋणात्मक और y धनात्मक। इसके बाद जब हम यहां पर आते हैं तो यहां पर आपके पास अब आप देखें मूल बिंदु के बाईं तरफ x का मान ऋणात्मक है और मूल बिंदु से नीचे की तरफ चले तो y का मान भी ऋणात्मक है, इसका मतलब x और y दोनों ही ऋणात्मक होंगे। तो जब ऋणात्मक होंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, x और y दोनों ही माइनस होंगे, इसका मतलब क्या हुआ x का मान भी जीरो से छोटा है और y का मान भी जीरो से छोटा है। अब हम आ जाए फोर्थ चतुर्थांश में। फोर्थ चतुर्थांश का मतलब होगा कि अब देखिए ये x का मान फोर्थ पे ये मान है x अक्ष और ये है y अक्ष। अब आप देखें x अक्ष तो धनात्मक है और y अक्ष आपका ऋणात्मक है। जब धनात्मक ऋणात्मक हैं तो इसका मतलब क्या होगा x का मान धनात्मक होगा और y का मान ऋणात्मक होगा। ये बनेगा x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0, ये बन गए x का मान 0 से बड़ा और y का मान 0 से छोटा, तो बन गए दोनों x धनात्मक और y ऋणात्मक। अब हम बात करें हमने जो पढ़ा हमारे पास चतुर्थांश से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। इससे पहले आपको बताया गया चतुर्थांश क्या बनते हैं कि यदि दो लंब रेखाएं क्या दो लंब रेखाएं किसी समतल को चार भाग बराबर मतलब चार भागों में विभाजित करती हैं। ये एक समतल था मेरे पास ऐसे, ये इस समतल को चार भागों में विभाजित किया गया जिससे हमारे पास चतुर्थांश बने, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाया, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाया, ये तृतीय चतुर्थांश कहलाया और ये फोर्थ चतुर्थांश कहलाया। अब आप देखें जो प्रथम चतुर्थांश था उसमें x अक्ष और y अक्ष दोनों ही धनात्मक थे, जब दोनों ही धनात्मक थे तो x का मान बिंदु के जो निर्देशांक होंगे पॉजिटिव धनात्मक होंगे, और सेकंड चतुर्थांश में x का मान जीरो छोटा है ये और y का मान जीरो से बड़ा है, इसका मतलब x जिसको भुज कहते हैं ऋणात्मक होगा और y को भी कहते हैं धनात्मक होगा। फिर हम आते हैं तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में x का मान भी जीरो से छोटा है और y का मान भी जीरो से छोटा है, इसका मतलब x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है,
एक्स और वाई ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या, हमारे पास ये वाला जो भाग था एक्स अक्ष था और ये वाला जो वाई अक्ष था दोनों ही ऋणात्मक थे हमारे, जब दोनों ही ऋणात्मक थे भुज और कोटि दोनों क्या बने, ऋणात्मक बने। और जब इसकी बात आई हमारे पास मूल बिंदु, यहां से मूल बिंदु के दाएं तरफ एक्स धनात्मक और नीचे तरफ वाई ऋणात्मक, मतलब फोर्थ चतुर्थांश में जिसको हमने भुज कहा था एक्स ये जीरो से बड़ा है धनात्मक होगा, और जिसको हमने वाई कहा था कोटि ये जीरो से छोटा है ऋणात्मक होगा, तो निर्देशांक बने धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे कि अगर हम कुछ निर्देशांक ले लें और उसको हम चतुर्थांश में लिखे, या ये कहा जाए कि कुछ निर्देशांक लेकर के उन्हें ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना है, प्लॉट करना है, तो उसी के आधार पर किस तरह से करना है, कौन से चतुर्थांश में आना है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये देखते हुए आपको करना है। ठीक है, आप कैसे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया एक निर्देशांक ज्यामिति जो आप दसवीं क्लास में पढ़ का है वहां से ही मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया है, जीरो मान के आप लोगों को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिंदु P है जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, एक्स को भुज कहा जाता है, वाई को कोटि कहा जाता है, और जब दोनों मिलते हैं तो निर्देशांक बनते हैं। फिर आप पास चतुर्थांश है, चार चतुर्थांश होते हैं इसलिए ही चतुर्थांश कहलाता है, चतुर्थांश चार भाग, पहला दूसरा तीसरा चौथा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, जिसमें जो बिंदु थे उनके निर्देशांक धनात्मक और ऋणात्मक इस तरह से थे जो आपके सामने है, आपने सब चीज आपके सामने लिखी है। इसके बाद हम एक कोई क्वेश्चन लेकर के निर्देशांक लेंगे और उसको इन चतुर्थांश में प्लॉट करेंगे। ठीक, कैसे देखिएगा, देखिएगा एक हम कहते हैं बिंदु, एक क्वेश्चन लिखा था बोल के, हम कहते हैं बिंदु 4 3 माइनस 6 2 माइनस 3 माइनस 5 तथा फाइव और माइनस 2 को ग्राफ पेपर पर निर्देशित कीजिए। आप जब ये ग्राफ पेपर पर हमें निर्देशित करना है, ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर किस तरह से निर्देशित करेंगे देखिए, जैसे अब हमारे पास ये, इसको आप ग्राफ पेपर माने, ये हमारे पास बनाए हमने चतुर्थांश, ये बने एक्स अक्ष, एक्स वाई अक्ष, वाई और वाई डैश, यहां पर हम बिंदु 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये वन लिखा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5
और मानक थी। अब आप ये देखें, ये सब निर्देश बिंदु जो हमने x अक्ष और y अक्ष लिए हैं, उस पर हमने एक जो ग्राफ पेपर को होता है, ये हमारा ग्राफ पेपर नहीं बोर्ड है, उसी पर हमने सपोज ये ग्राफ बनाया, इस पर एक बिंदु नोट किए, इसके आधार पर ही हम सब कुछ अब लिखेंगे। जो निर्देशांक है हमारे पास सामने, उनको हमें सिर्फ नोट करना है, धनात्मक ऋणात्मक जो भी है उसको देखते हुए हमें यहाँ चलना है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे अब हमारे पास पहला बिंदु है 4 और 3, इसका भुज 4 है और कोटि 3 है, तो भुज 4 यहाँ आएगा ये ऐसे, और कोटि 3 यहाँ आएगी तो ये ऐसे। ये बिंदु बना आपका, अगर इसको हम ले ले A, इसको ले ले B, C और एक D, तो B बिंदु के निर्देशांक बन गए, A के निर्देशांक बन गए हमारे पास 4 और 3। X अक्ष पर जो दूरी चली हमने 4 मात्रक 4 मात्रक और Y अक्ष पर दूरी चली 3 मात्रक, जो हमारा एक भुज और ये कोटि। इसी तरह से फिर हम आए -6 और 2। इसका -6 का मतलब होगा जब x निर्देशांक जो है माइनस है ऋणात्मक है, तो ये हमारे पास है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के हमें ऋणात्मक भाग x पर कब होगा, जब मूल बिंदु पर हम बाई तरफ चलेंगे, तो बाई तरफ हमें 6 मात्रा दूरी चलनी है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 यहां आ गए, इस तरह ये हमें यहाँ तक चलनी चलनी है। और y अक्ष पर धनात्मक 2 प्लस का है 2, तो y अक्ष की धन दिशा में 2 मात्रक चलनी है, तो y अक्ष की धन दिशा ये है, यहाँ पर आएंगे 2 मात्रक ये आ गया, दूसरा यहाँ से ऐसे यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास ऐसे आएगा ये, और ये डिस्टेंस हमारा ये बन गया ऐसे। ये बिंदु बन गया हमारे पास B, जिसके निर्देशांक है -6 और 2, ये बन गया आपको -6 और 2। उसके बाद हमारे पास A बिंदु के निर्देशांक लिख गए, B बिंदु के निर्देशांक लिख गए, अब हम C बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। C बिंदु है -3 और -5, इसका मतलब है -3 और -5 का मीनिंग होगा कि x और y दोनों ही अक्ष दो ऋणात्मक हैं, जो हमारे पास x अक्ष है और y अक्ष है दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो x अक्ष है -3 का मतलब c बिंदु x अक्ष पर हम ऋणात्मक दिशा में 3 मात्रक की दूरी चलेंगे, और y अक्ष की ऋणात्मक दूरी ऋणात्मक दिशा में 5 मात्रक दूरी चलेंगे। आपको मालूम है y अक्ष ऋणात्मक कहां का, इस मूल बिंदु से नीचे की तरफ, ये इधर चलेंगे मूल बिंदु से नीचे तो ये ऋणात्मक होगा, और x ऋणात्मक कब होगा, जब मूल बिंदु से बाई तरफ चलेंगे तो x ऋणात्मक होगा। आप देखिएगा -3 मतलब मूल बिंदु से x पर 3 दूरी पर बाई तरफ चले 1 2 और 3, यहां पर होगा माइनस दिशा ये लिखी गई, तो इससे आएंगे हम ऐसे, ये है -3। अब y अक्ष पर कितना चलना है, ऋणात्मक है 5 मात्रक यहाँ है, तो अब देख ले इसको यहाँ से ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे ऐसे आ करके ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, देखिएगा ये बना बिंदु आपका, जिसको नाम दिया गया था C। आप C के निर्देशांक है -3 और -5, जो ये आप मालूम है ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है,
और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। आप सभी चीज आपकी चतुर्थांश के अनुसार लिखी गई। अब हमारे पास डी निर्देशांक बनता है। आप डी निर्देशांक को हमें इस पर प्लॉट करना है। ये कहेंगे एक ग्राफ पेपर था जिस पर हमने ये निर्देशांक प्लॉट करने थे। आधे डी है, डी के निर्देशांक है 5 और माइनस 2। 5 धनात्मक है और 2 ऋणात्मक है। ये इसका मतलब जो एक्स है भुज है ये धनात्मक दिशा में जाना है और जो कोटी है ये ऋणात्मक दिशा में जाना। 5 मात्रक इधर चलेंगे और 2 मात्रक नीचे चलेंगे क्योंकि भुज है धनात्मक और कोटी है ऋणात्मक। आप देखिएगा भुज धनात्मक 5 मात्रक इधर से 5 गिरे 1 2 1 2 3 4 5 यहाँ गए, इस पर 5 ही आ गया कंप्लीट आपका। अब इससे हम थोड़ा सा नीचे इसको ऐसे कर दे, ये ऐसे चलेंगे हम यहाँ 5। अब -2 ये -2 यहाँ इधर चलेगा ऐसे, ये -2 दिशा में चलेंगे, -5 y अक्ष पर नीचे की तरफ, तो इसको हम नीचे चलेंगे तो ये आ पाएगा ऐसे। और आप देखेंगे ये बिंदु बन गया D, जिसके निर्देशांक है 5 और -2। इस तरह से जो भी हमें निर्देशांक दिए गए थे उनको हमने इस ग्राफ पेपर पर अपलोड किया। आसानी से कर सकते हैं, एक निर्देशांक ज्यामिति का जब टॉपिक चैप्टर स्टार्ट हुआ आप देखें, अगर हमने तो पहले पढ़ा है 10 क्लास से पढ़ा है, अगर नहीं भी हमें आता है तब देखें बिल्कुल बेसिक चीज स्टार्ट ही की गई है। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में एक बिंदु होता है, ठीक है, और उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं। बिंदु में एक भुज होता है एक कोटी होती है। भुज धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, इसलिए कोटि भी धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं क्योंकि दोनों निर्देशांक के अनुसार चलते हैं, ठीक है। देखिए निर्देशांक ज्यामिति, जो ज्यामिति का मतलब है ज्या मीन्स जो, जो से मतलब होता है अर्थ पृथ्वी, मिति मीन्स मापना गणना करना मेजरमेंट, ठीक है। जो अर्थ पर हम पृथ्वी पर जो भी हम गणनाएं करते हैं मेजरमेंट करते हैं नापना तोलना करते हैं वही हमारी निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। तो उसी को हमने कोई क्षेत्रफल निकालना हो, कोई दूरी निकालनी हो, कोई लंबाई निकालनी हो, कुछ भी हो, वो इसके आधार पर हमारे पास प्लॉट करी और चल दी। जैसे अगर आप देखें कि रोड बनती है उसका भी एक मेजरमेंट होता है, कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है उसको नाप तोल कर ही बनाया जाता है, और उसके बाद जो भी गणना कर लेते हैं कि जो कितना खर्चा आएगा क्या आएगा वो सब इसी के आधार पर चलता है हमारा सब कुछ, और इसके आधार पर चलकर हमारा सब कुछ हमने कंप्लीट किया, और यही हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति कह रहे जो हमने यहाँ पर कंप्लीट की। आज के लिए आपका इतना ही, आप ध्यान से समझना पढ़ना, आपको पता लगेगा कि स्टार्टिंग में कोई ज्यादा वर्क नहीं कराया गया, वो थोड़ा सा वर्क है जो आसानी से समझ सकते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं समझ आता तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में Thank you.